दो समस्या है पांचवी अनुसूची और छठवी अनुसूची अमल में ना आने की। पहली कि इस देश का शासक आदिवासी नहीं है, इस देश का शासक ब्राह्मण है और ब्राह्मण डीएनए के आधार पर विदेशी है और विदेशी लोग इस देश में राज कर रहे हैं। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान बना। दूसरी समस्या, आप जिनको अपना नेता मानते हो वो पार्टी हाईकमान का गुलाम है, वो हमारी समस्या का समाधान करेगा नहीं। समस्या हमारी, अगर आप समाधान अटल बिहारी, समाधान सोनिया गांधी, समाधान अडवाणी, समाधान अगर आप टीएमसी ममता बनर्जी कहोगे तो हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इस बंगाल में भी 6% आदिवासी, 22% शेड्यूल कास्ट, मुसलमान 30% है, ओबीसी 40% है, हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की संख्या 95% है और इस बंगाल में 1.8% ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण इस बंगाल में राज कर रहा है। चाहे वो कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट का हो, टीएमसी का हो, ब्राह्मण ही राज कर रहा है, लेकिन 6% आदिवासियों का अभी तक राजा नहीं बना, 22% शेड्यूल कास्ट का अभी तक राजा नहीं बना, 40% ओबीसी का अभी तक राजा नहीं बना और 30% मुसलमानों का अभी तक राजा नहीं बना। चाहे कांग्रेस का ब्राह्मण हो, बीजेपी का ब्राह्मण हो, टीएमसी का ब्राह्मण हो, कम्युनिस्ट का ब्राह्मण हो, शासक ब्राह्मण ही रहता है और जिनको आप अपना नेता कहते हो वो हमारा नेता नहीं है, तो पार्टी हाईकमान का गुलाम है। अगर हम लोगों को इस देश में अगर हमारी समस्या